हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गीकी सोमो यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कैश मेमोरी के बारे में। दोस्तों अगर आप एक नया प्रोसेसर मार्केट से खरीदने जाते हो डेस्कटॉप पीसी के लिए, तो वहाँ पे आपको कैश मेमोरी वहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ इस प्रोसेसर के साथ कैश मेमोरी 3 MB है, इस प्रोसेसर के साथ 4 MB, इसके साथ 6 MB या फिर इसके साथ 8 MB। तो वहाँ पे अलग अलग वेरिएंट रहता है, अलग अलग कोर के हिसाब से वहाँ पे अलग अलग वेरिएंट देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये कैश मेमोरी होता क्या है और इस कैश मेमोरी का क्या रोल है हमारे सीपीयू के साथ, और यहाँ पे एंड्रॉइड फोन के अंदर आप जो कैश क्लियर करते हो वो कैश क्या है, आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करूंगा। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कैश मेमोरी, तो कैश मेमोरी को बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे दोस्तों कोई एक आदमी किसी टेबल पे बैठ के काम कर रहा है, तो उसको अगर कोई एक फाइल की जरूरत है, बहुत सारे फाइल्स की जरूरत है उसको, तो अगर वो सारे फाइल्स उसके टेबल के ऊपर रहता है तो वो आदमी जो है बहुत तेजी से काम कर पाएगा। ठीक है, ये बात आपको पता है। और यहाँ पे अगर उस आदमी को बार बार टेबल से उठ के जाना पड़े उस फाइल को लाने के लिए कहीं से भी, तो वो आदमी का जो काम है वो स्लो हो जाएगा, ये भी नॉर्मल एक बात है। तो यही चीज़ होता है दोस्तों कैश मेमोरी के साथ भी। जैसे दोस्तों यहाँ पे अगर एक प्रोसेसर कोई भी डेटा का प्रोसेस कर रहा है, तो उसको तो डेटा कहीं से भी चाहिए, तो उस प्रोसेसर को जो डेटा चाहिए वो नॉर्मल केस में अगर उसे को कैश में ना मिले तो वो जाता है रैम के पास। तो ये तो बाद की बात है। तो अगर वो डेटा उसको कैश में मिल जाता है तो जो प्रोसेसर है बहुत तेज़ी से काम कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या फ़ायदा हुआ कैश मेमोरी के साथ, अगर उस प्रोसेसर के अंदर, उस सीपीयू के अंदर अगर कैश मेमोरी नहीं होता है तो वो जो प्रोसेसर है बहुत स्लो हो जाएगा। उसका पास जितना भी कोर हो, जितना भी थ्रेड हो, तो उसका कोई फायदा ही नहीं होगा, वो उतना उसका परफॉर्मेंस अचीव कर ही नहीं पाएगा उस सीपीयू, क्योंकि यहाँ पे उसको बार बार रैम के पास जाना पड़ रहा है और रैम से डेटा को लेके आना पड़ रहा है। तो दोस्तों नॉर्मल केस में अगर मैं बात करूँ तो कुछ डेटा जो है कैश मेमोरी में होता है, जो सीपीयू को नॉर्मली ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है वो सारे डेटा कैश मेमोरी में होता है। अगर वो डेटा कैश मेमोरी में नहीं होता है तो उसको रैम के पास जाना पड़ेगा, अगर रैम में भी नहीं है तो उसे स्टोरेज में जाना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है ये पूरा एक सिस्टम है। तो मैंने डाटा फ्लो के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे जाके देख सकते हो, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। तो यहाँ पे जो डाटा फ्लो हो रहा है, जो कैश मेमोरी में जो काम हुआ कैश मेमोरी में, डेटा कुछ डेटा स्टोर रहता है जो सीपीयू के ज़्यादा बार ज़रूरत पड़ रहा है। तो यहाँ पे कैश मेमोरी अगर नहीं होता है तो उसे बार बार रैम के पास जाना पड़ रहा है, और जो डेटा ट्रैवलिंग है वो स्लो होगा क्योंकि रैम उस कैश से काफ़ी ज़्यादा स्लो है। तो यहाँ पे दोस्तों ये कैश मेमोरी जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही अच्छा होगा। पर दोस्तों यहाँ पे कैश मेमोरी इतना बड़ा होना पॉसिबल नहीं है। अगर एक प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर जब एक प्रोसेसर को डिज़ाइन करता है तो उसके साथ साथ ही वो कैश मेमोरी कितना उस प्रोसेसर के लिए होना चाहिए वो डिज़ाइन करके ही देता है। तो कैश मेमोरी आप वहाँ पे ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, जितना उस प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर ने डिज़ाइन किया है उतना ही आपको मिलेगा, उसको आप एक्सपेंड भी नहीं कर सकते उस कैश मेमोरी को। अब दोस्तों यहाँ पे ये कैश मेमोरी तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे बेसिक चीज़ें क्या होता है कैश मेमोरी के साथ। कैश मेमोरी 3 टाइप का होता है, L1 कैश, L2 कैश और L3 कैश। अब दोस्तों यहाँ पे जो L1 कैश है वो सबसे ज़्यादा स्पीड है उसका, L2 कैश उसके बाद आता है, L3 कैश उसके बाद आता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो L1 कैश है वो एक CPU में बहुत ही कम रहता है, और यहाँ पे L2 कैश उससे ज़्यादा रहता है और L3 कैश उससे ज़्यादा रहता है। अब दोस्तों यहाँ पे L1 कैश जो है वो हर एक कोर के लिए, CPU के अंदर जो कोर है, अगर एग्जांपल के लिए 4 कोर है तो यहाँ पे हर एक कोर के लिए अलग अलग जो है L1 कैश रहता है, और हर एक कोर के लिए अलग अलग L2 कैश रहता है, और जो L3 कैश होता है वो हर एक कोर के लिए एक शेयर्ड मेमोरी होता है, मतलब L3 कैश जो है वो हर एक कोर उसे यूज़ कर सकता है। ऐसे ही दोस्तों स्पीड के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि L3 कैश सबसे स्लो है, L1 सबसे ज़्यादा फास्ट है। मैं बात करूं L3 कैश और रैम के साथ कंपैरिजन अगर मैं करता हूं तो जो रैम है वो L3 कैश से भी बहुत ज़्यादा स्लो है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर वहाँ पे कैश मेमोरी नहीं होता है तो जो CPU का परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि उसको बार बार रैम के पास जाना पड़ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि जितना ज़्यादा बड़ा कैश होगा तो उससे उतना ज़्यादा फायदा होगा, तो इसका भी एक लिमिट है। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैंने एग्जांपल में बताया कि एक आदमी के साथ एक टेबल का, अगर वो टेबल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उस आदमी के लिए कोई फायदे वाली चीज़ ही नहीं है, क्योंकि उसको तो सही उठ के जाना ही पड़ रहा है, तो कोई फायदे वाली चीज़ है नहीं। तो यहाँ पे अगर वो कैश भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसके लिए भी कोई काम का नहीं है, प्रोसेसर जितना प्रोसेस कर पाएगा, जितना डाटा को उसके अंदर स्टोर कर पाएगा उसके हिसाब से जो कैश को है वो डिज़ाइन किया जाता है। अब उस कैश को बढ़ा भी नहीं सकते, घटा भी नहीं सकते। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो कैश है, यहाँ पे L1 कैश जो होता है वो बहुत कम रहता है, कुछ KB में होता है,
और दोस्तों यहाँ पे जो L2 कैश है वो उससे थोड़ा ज़्यादा रहता है और L3 कैश जो है वो उससे थोड़ा और ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि कैश मेमोरी क्या होता है, कैसे काम करता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। और दोस्तों यहाँ पे जो एक और चीज़ रह जाता है वो है एंड्रॉयड कैश, और एंड्रॉयड कैश दोस्तों उस कैश मेमोरी से बिल्कुल अलग चीज़ है, ये उस कैश के साथ बिल्कुल भी सिमिलरिटी नहीं रखता। जो आप देखते हो कि एंड्रॉयड में एप्लीकेशन का जो कैश होता है वो बिल्कुल भी उसका सिमिलर नहीं है। CPU का कैश और एंड्रॉयड सिस्टम में जो कैश आप देखते हो वो बिल्कुल भी अलग चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि कैश मेमोरी क्या होता है, कैसे काम करता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है कंप्यूटर सिस्टम में। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो में समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर एक लाइक कीजिए, उसी के साथ दोस्तों वीडियो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। इसी के साथ दोस्तों वीडियो में समाप्त करता हूँ। देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ उसके पास जो घंटी का आइकॉन है उसे भी जरूर दबा दीजिएगा। इससे ये होगा कि जहां मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आप नोटिफिकेशन जो है मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों वीडियो में स्वागत करता हूं। देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।